जो रिजल्ट था काफी अप्रत्याशित आया, जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हुआ। सही है, तेलंगाना की आवाम ने एक फैसला लिया है और हमको उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। यकीनन पिछले 10 साल में केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में बहुत सी तब्दीलियां हुई, तरक्की हुई, हैदराबाद में एक उसका एक मुनफरद मुकाम पैदा हुआ। और चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं और मुझे यकीन है कि केसीआर एक बड़े आयद हैं। वो जो भी होगा वो आगे रहेंगे और हमारी नेक तमन्नाएं नई हुकूमत के साथ हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे 9 विधानसभा से जहां पर वहां के वोटर्स ने हमको अपनी मोहब्बत से वोटों से नवाजा। 7 सीट पर तो हम अपनी कामयाबी को बरकरार रख सके, 2 पर नहीं जीत सके। इंशाल्लाह जहां जहां हमारी कोई कमजोरी है रही होगी उसका हम नोटिस लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और जो खामी होगी उसको दूर करेंगे। मगर मैं शुक्रगुजार हूं शुरू से मजलिस आवाम के दरमियान में रहकर काम करेगी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने मजलिस के अपील पर न सिर्फ 9 विधानसभा पर बल्कि मुख्तलिफ तेलंगाना की विधानसभा में मजलिस के अपील पर उन्होंने फैसला लिया और हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे आगे। चलो चलो।